ये महज तस्वीर भर नहीं है, ये उस पराक्रम की प्रकाष्ठा का सम्मान है जो वीर अभिनंदन ने उस वक्त दिखाया था जब दुश्मन ने हमारे देश में घुसपैठ की कोशिश की थी। जिस F-16 पर पाकिस्तान को फक्र था, उसे मिट्टी में मिला देने वाला MiG-21 पर हवा में अटखेलियां करते वीर अभिनंदन को देखकर मन गर्व से भर जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के हवा हवाई हौसले को पस्त कर देने वाले वीर चक्र से सम्मानित विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोहा के साथ MiG-21 में उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख के लिए भी ये यादगार पल रहा। एक ओर जहां उनके साथ जाबाज वीर अभिनंदन थे, तो वहीं सेना प्रमुख ने उस वक्त को याद किया जब करगिल युद्ध के समय 17 स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए उन्होंने MiG-21 उड़ाया था। It was a particular joy for me to come and fly it with 26 squadron, which is the last squadron of the legacy MiG-21 aircraft. And it was also a pleasure for me to fly with Abhinandan because he's got his flying category back. That is what all pilots look forward to. Both of us have two things in common. One is both of us ejected. Second, both of us have fought the Pakistanis. I fought in Kargil and he fought after Balakot. Balakot air strike ke baad Bharat aur Pakistan ke beech tanav ke dauran wing commander Abhinandan ek bada chehra bane the. Abhinandan ke Bharat lautne ke baad unke dobara viman udane par suspense ban gaya tha. हालांकि तब भी एयरफोर्स चीफ धनोआ ने साफ किया था कि मेडिकल फिटनेस के बाद अभिनंदन दोबारा विमान उड़ाएंगे। हर जांच में पास होने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन एक बार फिर हवा से बातें करते नजर आए। 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुस आए पाकिस्तान के लड़ाकू विमान का MiG-21 बाइसन से पीछा करते हुए अभिनंदन LOC पार कर गए थे और पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराया था। हालांकि उनका विमान भी क्रैश हो गया था और उन्हें POK से पाक सेना ने पकड़ लिया था। तब उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी बात को पूरी बहादुरी से रखा था। अपनी खास तरह की मूछों के कारण वो युवाओं के लिए आइकन के तौर पर भी उभरे थे, लेकिन इस बार विंग कमांडर अभिनंदन नए लुक और नए जोश में दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट।